नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। जल्दी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जल्दी से आ जाइए। ठीक, चलिए बात करते हैं। कहता है कि विच वन इज अ न्यू स्ट्रक्चर ऑब्टेन ड्यूरिंग सेल ट्रांसलेशन। यहाँ ट्रांसलेशन आएगा, यहाँ ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या आएगा? ट्रांसलेशन आएगा यहाँ पर। ठीक, आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से, गुड इवनिंग भाई, सभी को, सभी को गुड इवनिंग। क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, हर एक चीज की पीडीएफ आपको मिलेगी, हर पीडीएफ आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आंसर बताइए। कहता है कोशिका प्रेषक के दौरान प्राप्त होने वाली एक नई संरचना कौन सी है? माइक्रोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब यूनिट्स, बताइए जल्दी से। सभी के आंसर आ रहे हैं सी ए बी। तो आंसर है इसका माइक्रोसोम। याद रखेंगे, जब भी सेल ट्रांसलेशन होता है तो जो नया स्ट्रक्चर बनता है वो माइक्रोसोम होता है, यानी कि सूक्ष्म जीवी होता है। माइक्रोसोम इज द राइट आंसर। क्या है इसका आंसर? माइक्रोसोम। याद रखेंगे, माइक्रोसोम इज द राइट आंसर। माइक्रोसोम सही जवाब है। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है भाई। मेरी मैराथन थी ही नहीं, मेरे को मैराथन में नहीं बुलाया गया। समर्थ मुझे मैराथन में नहीं बुलाया गया था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन एन एनिमल सेल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम अटैच टू न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियोलस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। तो आंसर बताइए जल्दी से कि क्या आंसर होगा सेकंड का। सेकंड का आंसर बताइए शुभम। सेल ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब कोशिका विभाजित होती है उस समय पर एक क्रिया होती है जिसको सेल ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, जब कोशिका विभाजित होती है उस समय पर क्या होता है? कुछ नए गुण वो अपनाती है, वो नए गुण जो वो अपनाती है उस क्रिया को सेल ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा बताइए प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? देखिए, हमने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस सेल में राइबोसोम कराता है या फिर कौन कराता है? आरईआर, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो यहां पर आंसर क्या होगा ये बताइए, यहां पर आंसर क्या होगा? और सभी खुद को नंबर भी देंगे भाई, देखता हूं कितने नंबर आते हैं आप लोगों के आज। तो बेटा यहां पर आंसर है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है भाई ये साइटोप्लाज्म? हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। बेटा कोशिका द्रव्य के अंदर ही ये सब चीजें पाई जाती हैं, राइबोसोम, आरईआर और ये सब। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और एक चीज जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 2.0 को मिस ना करें। 25 अप्रैल सुबह 11 बजे यानी कि कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो 11 बजे आप सभी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन अटेंड करें। ठीक है, कहता है जेल यूज्ड इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। भाई क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन सी जेल का इस्तेमाल होता है? आंसर बताइए।
क्रोमैटोग्राफी के अंदर कौन सी जेल का इस्तेमाल होता है? क्रोमैटोग्राफी क्या होती है? क्रोमैटोग्राफी होती है सेल के पार्ट्स को देखना, उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो उसमें जब हम कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो हम कौन से जेल का इस्तेमाल करते हैं? आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए बताइए, आंसर बताइए फटाफट, आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर है सी, सेफेरोस। सेफेरोस नाम की जेल का इस्तेमाल हम करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सेफेरोस जेल का इस्तेमाल करते हैं। बेटा याद रखेंगे ये सारी चीजें, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम कंटेंट में नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ एक वन लाइनर के रूप में या क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आपको दिए जा सकते हैं। तो आज मैं वही सारे प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, और आप देखेंगे कि ये वो प्रश्न हैं जो शायद ही यूट्यूब पर किसी ने कराए हों। कहता है इन मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग। देखिए मियोसिस क्या होता है याद रखेंगे पहले, तो मियोसिस एक ऐसी क्रिया है जो सेल डिफरेंशिएशन में काम आती है। किसमें काम आती है? सेल डिफरेंशिएशन में काम आती है। ठीक, कहता है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, भाई गुणसूत्र क्या, रेप्लिकेट मतलब अपने जैसे और बनाना, ठीक है, गुणसूत्र अपने जैसे और किस क्रिया में बनाते हैं? इंटरफेस, इंटरकाइनेसिस, प्रोफेस वन, प्रोफेस टू। आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए सर। पहले चैप्टर पढ़ा दीजिए। अरे चैप्टर खत्म तो कर दिया, कल चैप्टर खत्म किया उसके बाद क्वेश्चंस लाया हूं भाई। ठीक, तो याद रखेंगे गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र रेप्लिकेट यानी कि अपने जैसे प्रोफेस टू में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? प्रोफेस टू में, लिख लो इसको, प्रोफेस टू में। ठीक है, ठीक, प्रोफेस टू में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? प्रोफेस टू में। देखिए आप लोग इन सब बातों को याद रखिएगा, क्वेश्चंस आज के मुश्किल हैं ये बात मैं स्वयं जानता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे इस बात का लालच नहीं है कि बच्चे ज्यादा जुड़े, बच्चा वो जुड़े जो पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, कोशिका की खोज किसने की थी? ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के नाम पर कलंक हो गया, अगर ये भी नहीं बता सकते तो भाई सेल की खोज, सेल की खोज, देखिए जब तक वो ये ना बोले लिविंग सेल तब तक आप लिविन हॉक पर टिक नहीं करेंगे, आप इसको डेड सेल ही मानकर चलेंगे। तो वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। क्या देखकर की थी? मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब, या फिर अगर वो भी ना दे रखा हो तो कॉर्क बार्क यानी कि पेड़ की छाल देखकर की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। लुविन हॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने सेल पर एक किताब भी लिखी है जिसको क्या कहा जाता है? माइक्रोग्राफिया। क्या कहा जाता है? माइक्रोग्राफिया। क्या कहा जाता है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, चलिए हर्षित कह रहा है गलत बता रहे हो। क्या गलत बता दिया भाई हर्षित बता? ऐसे बच्चे भी पता नहीं क्यों आ जाते हैं। चलिए, कहता है क्रोमोसोम नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर इन, होमोलोगस पेयर, होमो मतलब होता है सेम, याद रखना, लोगस मतलब
जोड़ा, पेयर ही समझ लो, ठीक है, होमो मतलब सेम। तो कहता है कि गुण सूत्र क्रोमोसोम आमतौर पर घरेलू जोड़े के रूप में होते हैं। क्रोमोसोम्स नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर इन एग, स्पर्म, गैमीट, जाइगोट। आंसर बताइए जल्दी से, होमोलोगस किस में होते हैं? ठीक है, होमोलोगस किस में होते हैं जल्दी बताइए। सिक्स्थ का सी बोल रहे हैं बच्चे। जिस जिस बच्चे ने सी बोला, बिल्कुल सही बोला, गैमीट की फॉर्म में, युग्मक के अंदर होमोलोगस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एक्स 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 वाई होमोलोगस है, ठीक, गैमीट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, गैमीट की फॉर्म में होते हैं, ठीक। चलिए, सी ऑप्शन जिसने दिया बिल्कुल सही जवाब है। सातवें प्रश्न की बात करते हैं, कहता है सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन आर स्टेम सेल, मेरिस्टमैटिक सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से बताइए, किस कोशिका के पास विभाजित होने की क्षमता होती है? किस कोशिका के पास विभाजित होने की क्षमता होती है? तो याद रखेंगे, देखिए, विभाजित होने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ जड़ कोशिका के पास होती है। किसके पास होती है? जड़ कोशिका के पास होती है। बेटा, ये जो स्टेम सेल है, मैं आपको बता दूं, ये तीन तरह के हमारे शरीर में पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ से जुड़ा होता है, तो एक नाल से जुड़ा होता है, उस नाल का नाम होता है प्लेसेंटा, या फिर आप उसको अम्बिकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अम्बिकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम उसको काटते हैं, तो वही के एंड पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, और ये इतने ताकतवर कोशिका है कि अगर हम इनको रख लें, इनको हम संरक्षित रख लें, तो आने वाले समय में अगर उसको कैंसर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो हम ये स्टेम सेल्स डालकर उसको क्योर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको सही भी कर सकते हैं। ये इतने ताकतवर हैं, ये सबको नष्ट कर देंगे, ठीक है। मेरिस्टमैटिक सेल की बात करते हैं, इसको हिंदी में विभज्योतक उत्तक कहा जाता है। विभज्योतक उत्तक, देखिए, इनके पास भी विभाजित होने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ ही समय तक के लिए होती है, ठीक है। ये बेसिकली टेम्परेरी टिश्यूज में आती हैं। किसमें आती हैं? टेम्परेरी कोशिकाओं में आती हैं, ठीक। तो जब धीरे 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 मेरिस्टमैटिक टिश्यू परमानेंट में चेंज हो जाती है, स्थायी उत्तक में या स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या काम, तो ये विभाजित होने की क्षमता खो देती है। क्या करती है? तो ये विभाजित होने की क्षमता खो देती है। तो इसीलिए आंसर हमने लगाया स्टेम सेल, क्योंकि इसके पास तो हमेशा से ही विभाजित होने की क्षमता रहती है। दो और प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड स्टेम सेल और एक होता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये तीन प्रकार की स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं। ये सबसे ताकतवर कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे ताकतवर कोशिका होती है। जैसे मरिस्ट और मरिस्टमैटिक की अगर हम बात करें, तो देखो, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके शरीर में 296 से 306 हड्डियां होती हैं, तो वो विभाजित होते होते कितनी हो जाती हैं? 206। तो क्या अब ये और विभाजित हो सकती हैं? नहीं। अब अडल्ट में, सब में, जो जितने भी अडल्ट हैं, सब में कितनी पाई जाएंगी? 206 ही पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो जो बच्चा था, उसके पास क्या थी? मेरिस्टमैटिक सेल्स। विभाजित हुई, परमानेंट में चेंज हो गई, तो ये कुछ समय तक के लिए इनके पास विभाजित होने की क्षमता रहती है, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमने मेरिस्टमैटिक ना लगाकर स्टेम सेल लगाया, क्योंकि इनके पास हमेशा रहती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कहता है विच वन अकर वंस इन अ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र में एक बार कौन सा होता है? सिर्फ एक बार कौन सा होता है बताइए।
उषा सैनी, मैं न्यू स्टूडेंट सर, आइए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, हाँ तो बताइए, जीवन चक्र में सबसे एक बार कौन सा होता है, जल्दी बताइए बताइए भाई, आंसर बताइए। जीवन चक्र में सिर्फ एक बार कौन सा होता है, याद रखेंगे जीवन चक्र में सिर्फ एक ही बार प्रोफेज टू में रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या होती है, किसमें होता है, प्रोफेज टू में। ये क्या है, मियोसिस की एक स्टेज है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों की प्रतिकृति जीवन काल में सिर्फ एक ही बार होती है। बिल्कुल सही बात है, जब हम बच्चा माँ के गर्भ में बन रहा होता है तो उसी समय पर जो जितने भी गुणसूत्र जिनको रेप्लिकेट होना होता है वो हो जाते हैं, उसके बाद रेप्लिकेशन नहीं होती। और ये जो रेप्लिकेशन है बेटा, बस ये चलती है सिर्फ और सिर्फ 0 मंथ से लेकर कब तक, 7वें महीने तक। उसके बाद रेप्लिकेशन होना बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद रेप्लिकेशन होना बंद हो जाती है। ठीक, चलिए। कहता है प्रोटोप्लाज्म फॉर्म्स परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ द बॉडी। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। कहता है जीव द्रव्य शरीर के कुल वजन का प्रतिशत बनाता है। कितने प्रतिशत बनाता है भाई ये शरीर के वजन का, तो याद रखेंगे जीव द्रव्य हमारे शरीर में 70% होता है। कितना होता है, 70%। कितना होता है, 70% होता है। कितना होता है, 70% होता है। आज क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन है कि मुश्किल, वो ही नहीं है घिसे पीटे से कि सेल के पार्ट्स क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है ना, वो उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं अब हम। ठीक, अब हम उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। आज कुछ लग रहा होगा कि हाँ भाई कुछ नए प्रश्न सामने आ रहे हैं, है ना, हाँ या ना, लग रहा है ऐसा या नहीं लग रहा। कहता है सेल वैक्यूल कंटेन, बताइए सेल रिक्तिका में शामिल है वाटर, मेटाबॉलिक गैसेस, वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस और साइटोप्लाज्म, बताइए आंसर क्या होगा। सेल वैक्यूल में जान जान लीजिए, सेल वैक्यूल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। पानी, सेल वैक्यूल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। नेट वाला क्वेश्चन है सर जी, अरे नहीं यार नेट वाले नहीं है, इतने भी मुश्किल नहीं है, नेट के क्वेश्चंस नहीं है, नेट के क्वेश्चंस दूंगा तो चकरा जाओगे बाबा। सेल वैक्यूल कंटेन्स पानी, क्या होता है, पानी होता है। ठीक, चलिए 11वें प्रश्न पर आते हैं। कहता है राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन, राइबोसोम अनुपस्थित है किस में, मैच्योर स्पर्म, कैंसर सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, नन ऑफ दी अबव, आंसर क्या होगा। तो देखिए बेटा, राइबोसोम मैच्योर स्पर्म यानी कि क्या है, ये एक एनिमल सेल है। क्या है, ये एनिमल सेल है। उसके बाद बात करते हैं तो इसमें तो होगा ही होगा क्योंकि राइबोसोम एनिमल सेल में होता है। कल प्रोकैरियोटिक सेल बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम होता है। बात करते हैं कैंसर सेल की, तो भाई कैंसर सेल एक ऐसा सेल है जो लेन काय की मदद से शरीर में आता है, और बेटा इसके अंदर भी राइबोसोम होता है। तो आपका जो आंसर हो गया वो डी आंसर हो गया, नन ऑफ दी अबव। क्या हो गया आंसर, डी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नन ऑफ दी अबव इज दी राइट आंसर। सर कल की क्लास का पीडीएफ कब मिलेगा, कल की क्लास का पीडीएफ बेटा आज या कल तक मिल जाएगा। ठीक है, और कल की क्लास का ही नहीं, वो इकट्ठा पीडीएफ होगा 4 क्लासों का। ठीक है, आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल देखना है तो कल की क्लास देख लीजिए, मैंने उसमें दिखाया है। ठीक, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो।
ठीक, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कहता है सेल ऑर्गेनली दैट कैन रेप्लिकेट बट हैज नो डीएनए। बताइए ऐसा कोशिका संगठन जो दोहरा सकते हैं लेकिन उसमें डीएनए नहीं है। बताइए सेल ऑर्गेनली दैट कैन रेप्लिकेट बट नो डीएनए। बताइए जी किसके पास डीएनए नहीं है, जल्दी से आंसर। किसके पास डीएनए नहीं है और वो रेप्लिकेशन कर सकता है, तो याद रखेंगे सेंट्रियोल मैंने लिखवाया था कल भी सेंट्रियोल के बारे में कि इसका मेन काम है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में क्या चलता है, रेप्लिकेशन। क्या चलता है, रेप्लिकेशन। और इसके पास डीएनए नहीं होता, इसके पास डीएनए नहीं होता, ठीक है। चलिए ठीक, ठीक है जी, प्लेलिस्ट बनवा देंगे। उसके बाद बात करते हैं, कहता है आरएनए इज एब्सेंट इन, आरएनए किस में नहीं है, जल्दी से बताएंगे आरएनए किस में नहीं है, आंसर बताइए फटाफट। इनमें से किस में आरएनए नहीं है, साइटोप्लाज्म में भी है, राइबोसोम में भी है, न्यूक्लियोलस में भी है, प्लाज्मोलेमा में आरएनए नहीं होता। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखेंगे राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। प्लाज्मोलेमा में आरएनए नहीं होता, बाकी साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस इन सब में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सेल साइकिल इज स्लोएस्ट इन जी नॉट स्टेज, G1 स्टेज, G2 स्टेज, S स्टेज। बताइए भाई, देखिए सेल साइकिल की बात करता है, BSc का क्वेश्चन आ गया जी। सेल साइकिल BSc में पढ़ाई जाती है, BSc में पढ़ाई जाती है, तो इसलिए मैंने डाल दिया ये क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे धीरे सेल साइकिल G2 स्टेज में चलती है। किस स्टेज में चलती है, G2 स्टेज में चलती है, इसको याद रख लो, याद रख लो बस, ज्यादा मत समझो इसके बारे में क्योंकि पूरी सेल साइकिल समझानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक, और उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ला रहा हूं। कहता है न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड ऑफ, न्यूक्लियोलस किससे बना है, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, या खाली आरएनए। न्यूक्लियोलस किससे बना है, जल्दी से बताएंगे। तो याद रखिए बेटा न्यूक्लियोलस के अंदर आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोलस एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल दो ही होते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि एक अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, ये अनुवांशिक पदार्थ है, और अनुवांशिक पदार्थ दो ही होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो दोनों से ही मिलकर न्यूक्लियोलस बना है, दोनों से ही मिलकर न्यूक्लियोलस बना है। पुष्पेंद्र पाटिल कह रहा है सेल साइकिल समझा दीजिए सर जी। बेटा सेल साइकिल समझा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी, एनडीए की क्लास है ना, एनडीए में सेल साइकिल में पूछेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन बस ऐसे ही डाल दिया मैंने, ठीक है। मुश्किल ये कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछे भी पेपर में, ठीक। चलिए कहता है विच वन ऑफ देम इज नॉट माइटोटिक पॉइजन, इनमें से कौन सा एक समसूत्री जहर नहीं है, चेलोन्स, राइबोन्यूक्लियस, कॉलकाइन, एसिटोकेमाइन, आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा माइटोटिक पॉइजन नहीं है, आंसर याद रखिएगा कि एसिटोकेमाइन एक जहर नहीं है, माइटोटिक पॉइजन नहीं है, एसिटोकेमाइन एक माइटोटिक पॉइजन नहीं है, माइटोटिक जहर नहीं है, ठीक। चलिए कहता है रेशियो ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन यूकैरियोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन यूकैरियोट्स, बताइए सुकेंद्रीय में डीएनए और आरएनए का अनुपात क्या है? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए भाई, 1:1, 2:1, 1:2 या नॉट फिक्स्ड? तो आंसर आएगा नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस एनिमल का सेल है, किस प्लांट का सेल है, ठीक है, किस चीज का वो सेल है। डीएनए और आरएनए का रेशो हमेशा बदलता रहता है सेल के अनुसार, जीव के अनुसार, स्पीशीज के अनुसार, ठीक। तो आंसर हो गया डी, नॉट फिक्स्ड। कहता है द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट इज आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन वायरसेस, आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड या नन ऑफ दीज। 18वें का आंसर बताएंगे जल्दी से। तो इनमें से सबसे सही स्टेटमेंट तो यही है कि आरएनए के पास एक ही स्ट्रैंड होता है। तो सबसे सही स्टेटमेंट यही है, आरएनए ज्यादातर एकल फंसे हुए हैं, एक ही स्ट्रैंड होता है, कैसे, ऐसे, और डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होते हैं, ऐसे, ठीक है। जब आरएनए डीएनए डिटेल में पढ़ाऊंगा तब और बता दूंगा, ठीक। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे भाई। कहता है म्यूटेशन अकर्स ड्यूरिंग, म्यूटेशन कब होती है? सबसे पहले तो उत्परिवर्तन जानते हैं होता क्या है। म्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन डीएनए। क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए के अंदर एकदम से परिवर्तन आ जाना, डीएनए के अंदर एकदम से परिवर्तन आ जाना, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन कैसे होती है भाई? जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में हुई, एटम बम गिर गया, डीएनए पर प्रजातियां कैसी पैदा होने लग गई भाई? किसी का स्कल नहीं था, ब्रेन बाहर था, किसी का पेट की परत नहीं थी, आते बाहर थी, तो इस तरीके की म्यूटेशन होने लग गई, ठीक है। और कैसी होती है भाई? बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिनाइलकेटोनोरिया, थैलेसीमिया, है ना, ये सारी बीमारियां इस तरीके की, हीमोफीलिया, ठीक है, ठीक। तो ये बात समझ में आई, म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, एकदम से डीएनए में परिवर्तन आ जाना। तो बताइए वो किस में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयरिंग, सेल डिवीजन, ट्रांसक्रिप्शन, जल्दी से आंसर बताएंगे। तो भाई जब भी डीएनए बन रहा होता है, यानी कि रेप्लिकेट कर रहा होता है, प्रतिकृति कर रहा होता है, तभी म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तभी कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको एक्सरे नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि एक्सरे क्या है? एक रेडियो एक्टिव रेज है। क्या है? एक रेडियो एक्टिव रे है, जिसकी वजह से जो बच्चा उसके गर्भ में बन रहा है, अगर वो रेज उस तक पहुंच गई तो उसके डीएनए में परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसके डीएनए में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? तो चलिए आंसर आपको पता चल गया, डीएनए रेप्लिकेशन। कहता है सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, बताइए ऐसी कोशिका जिसके पास संगठित नाभिक नहीं है वो कौन सी होती है? तो बेटा याद रखेंगे, मैंने आपको कल एक चीज नहीं बताई थी, वो ये था कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट सेल के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया सेल, और ये क्या है? ये है साइनो बैक्टीरिया, ठीक।
तो ये भी प्रोकैरियोट का ही एग्जाम्पल है। और प्रोकैरियोट कौन से होते हैं जिनके पास संगठित केंद्रक नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियोलस है, मैंने आपको ये बता चुका हूं। तो आंसर हो गया बोथ ए एंड सी, डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। डी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं 21वां प्रश्न। कहता है सेल एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय, सेल की एक्टिविटी कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए सेल की एक्टिविटी, वैसे तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि न्यूक्लियस केंद्रक करता है नियंत्रित, लेकिन आप यहां पर केंद्रक तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाई क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म आप बोथ, सॉरी एक सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, सेल की एक्टिविटी को नियंत्रित करेंगे। तो आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन बनाने में मदद करता है। तो ये दोनों मिलकर ही कोशिका की एक्टिविटीज यानी कि एनर्जी देंगे, तो एक्टिविटीज को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कहता है सेलुलोज इज यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन माइक्रोब्स एनिमल्स बोथ ए एंड सी। तो भाई सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, जैसे कि हम क्या खाते हैं, घास फूस जो हम खाते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, कच्चा खीरा खा लिया, टमाटर खा लिया, कच्ची प्याज खा ली, वो सेलुलोज है सारा का सारा। तो वो हम भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो आंसर हो गया बोथ ए एंड सी, कौन खाते हैं, बोथ ए एंड सी, ह्यूमन और जानवर दोनों खाते हैं। ठीक, चलिए 23वां प्रश्न। कहता है वाह भाई वाह, देखिए यहां पर क्वेश्चन अच्छा आया। कहता है द एंडोस्पर्म सेल्स विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर, एंडोस्पर्म सेल्स में, एंडोस्पर्म सेल्स में कौन से प्रकार की कोशिका विभाजन चलता है, कौन से प्रकार का कोशिका विभाजन चलता है, माइटोसिस, बडिंग, ए माइटोसिस, फ्री सेल, टॉर्मेट। तो याद रखेंगे फ्री सेल टॉर्मेट नाम का माइटोसिस सेल डिवीजन चलता है, फ्री सेल टॉर्मेट। ठीक, फ्री सेल टॉर्मेट नाम का सेल डिवीजन इसके अंदर चलता है। ठीक, चलिए कहता है स्मॉलेस्ट आरएनए इज, सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, सबसे छोटा आरएनए। तो याद रखेंगे एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और ये होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और उसी तरीके से एसआरएनए भी होता है, लेकिन सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए। कौन सा होता है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है। कहता है द टर्म सेल वॉज क्वाइंड बाय, टर्म सेल वॉज क्वाइंड बाय, सेल शब्द किसने दिया था। तो याद रखेंगे सेल शब्द भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। श्वान और शेल्डन ने तो सेल थ्योरी दी थी, क्या दी थी, सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, और लिनियस ने क्या दिया था, नेमिंग दी थी, ये मैं बताई चुका हूँ, नेमिंग और रैंकिंग, कार्लस लिनियस, तभी इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि नामीकरण के जनक, क्या कहा जाता है, नामीकरण के जनक कहा जाता है। ठीक, तो चलिए ये थे 25 क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, मुश्किल थे क्वेश्चंस, आई नो, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, बहुत समय है हमारे पास, लॉकडाउन का फायदा उठाइए और कल 2.0 अवश्य देखें, ताकि आप लोग को जो बेनिफिट्स होने हैं वो दूसरों से ना पता चलकर डायरेक्ट उनसे पता चले जिनको डायरेक्ट वो बेनिफिट्स देने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। 131 लाइक हैं, 150 लाइक तक पहुँचा दो, 19 लाइक हैं।
बचे हैं वो भी पहुंचा दो। ठीक, तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलेंगे कल, तब तक के लिए मिलेंगे परसों, कल क्लास नहीं होगी, मिलेंगे परसों, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो तू 25 तारीख की सुबह तैयार रही हो? ओह ग्रेट मीनाक्षी, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यार 25 अप्रैल को तो एग्जामपुर पे सरप्राइज आ रहा है 2.0 करके कुछ, वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। अरे तो क्या हुआ, मूवी के बाद देख लेंगे ना यार। नहीं यार, इवेंट तो मैं लाइव ही देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस सरप्राइज का बहुत दिन से वेट